कोरोना महामारी के बीच शाजापुर जिला अस्पताल में मानव इंसानियत भी दम तोड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का सही ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा है, जिनकी वजह से उनकी जान पर आफत बनी हुई है। शाजापुर जिला अस्पताल में लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सोमवार शाम को सामने आया, जहाँ जिम्मेदार डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल ग्राम गोलवा में रहने वाले कांतिलाल की 35 वर्षीय पत्नी हेमलता का सोमवार को स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, जिसके चलते परिजन उसे उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां मौजूद अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को अंदर अस्पताल में ले जाने से पूर्व ही मृत घोषित कर दिया। परिजन इसके बाद महिला को लेकर गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने में जुट गए। तभी महिला जीवित खड़ी उठी और पानी मांगने लगी। इस घटना के बाद परिजन महिला को लेकर उपचार के लिए देवास के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर महिला को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, रिपोर्ट वो अंदर ही नहीं घुसने दिया, चेक किया डॉक्टर साहब या उन्होंने और बोला कि हम मरी ये ले जाओ बाहर से। सर बाहर फिर क्या हुआ? ले हम हमारे घर घर ले आए घर रोने गाने लगे, तो आधा घंटे बाद में कहीं पानी मांगियो पेशेंट ने पानी मांगा सर, फिर देवास के लिए रवाना हुए अस्पताल में। अस्पताल तक पहुँचे ही नहीं, रास्ता में ही दम तोड़। क्या नाम क्या है आपका? मार्शल बैरागी। क्या कुछ हुआ था जो मामला? सर जैसे कि हमारे गांव से यहाँ से शाजापुर हॉस्पिटल ले गए, तभी ऑटो में क्या हुआ था? एकदम क्या हुआ था सर? इनके पिताजी कल इस बार हुए थे जी, मतलब जो पेशेंट था उनके पिताजी, हाँ। तो वहाँ से आए, हाँ। तो उनको थोड़ा डिप्रेशन था जी, तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद तबीयत खराब हुई उनकी। तबियत खराब होने के बाद यहाँ से शाजापुर हॉस्पिटल ले गए। शाजापुर हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ने गेट के अंदर भी नहीं प्रवेश करने दिया, बाहर से ही बोला कि मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में हम गांव में लेके आ गए अभी डेड बॉडी को। यहाँ पर आने के बाद में सर उनका हमने अंतिम जो तैयारी करनी थी वो करी। वो करने के बाद में सर हम यहाँ से 15-20 मिनट बाद में उनको ऑटोमेटिक उन पेशेंट उठा, उनने पानी मांगा, पानी पिया आधी बॉटल। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस दूसरी जगह हॉस्पिटल देवास के लिए रवाना हुए। रास्ते में जाके हमारे साथ हादसा हुआ, डॉक्टरों की लापरवाही से हमारा पेशेंट के साथ हादसा हुआ है और हम चाहते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।